नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों को मैं चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसे सीट से, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीट का दिसंबर वायदा 6528 पर है हल्की सी बढ़त के साथ। रूपा जी देख रहे हैं आज कैसे सीट का वायदा बाजार दिसंबर वायदा भी 6500 के लेवल्स पर आ गया है 6600 से फिसल के। आपको क्या लगता है अब कैसे सीड में ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी है ये कब तक जारी रहेगी और ये कीमतें ऊंची आएंगी अच्छी आएंगी वो कब तक देखने को मिल सकती हैं? देखिए, अभी जो है कैस्टेड सीड जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कैस्टेड की कीमतें जो है एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गई हैं। जो एक्सपेक्टेड था अपसाइड मोमेंटम वो बन नहीं रहा है। लगातार बाजार 6500-6600 तक जाता है और फिर उसके बाद जो है वो वहां से प्रेशर दिखाता है, लेकिन अभी एक्सपायरी भी काफी करीब है तो इसलिए उठा पटक देखने को मिल रही है। वहीं दिसंबर वायदा की बात करें तो ऊपर में 6800 तक एक बार जा सकता है जी। ये जरूर जी देख रहे हैं कि बिनौला खल के दिसंबर वायदा भी 2538 पर ही कारोबार कर रहा है आधे फीसदी की तेजी के साथ। 2570-2580 तक रुपा जी हम इसको जाते हुए देखते हैं, लेकिन 2600 तक का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है बिनौला खल में जो सीमित दायरे में कारोबार है ये कब तक देखने को मिल सकता है? हालांकि जो व्यापारी हैं वो बता रहे हैं कि बिनौला खल में आगे अब तेजी ही है। देखिए, बिनौला खल में अभी तेजी देखने को मिल सकती है अखिलेश, और 2580 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो ये 2600-2620 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर बाइंग की तरफ ही रहना चाहिए और बाइंग करके निचले स्तरों पर चलना चाहिए। 2600 तक ऊपर में भाव एक बार जाते हैं तो ऊपर में 2640-2660 तक बाजार जा सकता है जी। इस रूपा जी बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का दिसंबर वायदा, जीरा और हल्दी तीनों ही आज भी ठीक ठाक लेवल्स पर सस्टेन होके चल रहे हैं। रुपा जी आपको क्या लगता है, क्या मसालों में अब तेजी का दौर शुरू हो गया है? देखिए, मसालों में नहीं अखिलेश, मुझे बहुत ज्यादा अभी फिलहाल सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। बाजार लगातार ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर वायदा एक्सपायरी है तो इस वजह से काफी उठा पटक है। आप देखिए, नवंबर वायदा में तेजी है जबकि दिसंबर वायदा में बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं दिखाई दे रही। धनिया की बात करें तो धनिया 8100 से नीचे लुढ़का है, लेकिन वही नवंबर वायदा 7800 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे हम दिसंबर वायदा में तो अगर यहाँ पर तेजी आती है तो ये ऊपर में 8250 से 8300 तक ले तो जा सकता है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। 200 से 250 रुपए का अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं जीरे की बात करें तो जीरा भी 15800 मैक्सिमम तेजी की तरफ जा सकता है। वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो 7600 तक ऊपर जा सकता है जी। ये सर रूपा जी नजर डालने अगर ग्वार की कीमतों की ओर तो देख रहे हैं कि जो करेक्शन है वो थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। रूपा जी आपको क्या लगता है ग्वार की कीमतों में जो करेक्शन है कहां तक जा सकती है मैक्सिमम, और क्या निचला स्तर अच्छे लेवल्स रहेंगे ग्वार की कीमतों में खरीदारी करके चलने के लिए? देखिए, ग्वार सीड में बिल्कुल अखिलेश अभी बाइंग का ही जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है सिनेरियो। जिस तरीके से बाजारों के अंदर हमने माहौल देखा है फिजिकल मार्केट में वो तेजी की तरफ है। देखिए, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखें तो 13000 से ऊपर बाजार लुढ़के भी हैं, 1000 पॉइंट की करेक्शन भी हमने देखी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतना ऊपर से मार्केट लुढ़का है जिस हिसाब से तेजी आई थी, और वही एक्सपायरी भी पास में है तो दोनों ही स्थितियां हैं इसमें। अभी फिलहाल उठा पटक का मोल है, लेकिन गिरावट के अंदर ही आपको बाइंग करना है। अभी आप मान के चलिए कि एक हफ्ते तक बाजारों में इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 तारीख को एक वायदा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दिसंबर वायदा जब आएगा तो जब दिसंबर वायदा में ट्रेडिंग लोग एक्टिव होंगे तो उसमें एक तेजी बनेगी, और मुझे लगता है कि इनको निचले स्तरों पर बाइंग का रणनीति रखना चाहिए। एक्सपायरी के आसपास जो भी लेवल्स मिले वहां पर अगले वायदे में खरीदारी करके चला जा सकता है जी। ये से रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन भी देख रहे हैं आज अच्छे लेवल्स पर कारोबार करी, 5600 के ऊपर का हाई लगा चुकी है। आपको क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में सोयाबीन 5700 या 5800 की भी लेवल्स दिखला पाएगी? देखिए, सोयाबीन में जो अखिलेश तेजी है वो हो सकता है आपको, हाँ बिल्कुल 5700 से 5800 का स्तर बन सकता है सोयाबीन में, क्योंकि अभी जो मार्केट में फिजिकल मार्केट में जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसके चलते जिस तरीके से फार्मर्स ने माल रोका हुआ है, अराइवल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उधर से प्रोडक्शन खराब होने की जो खबरें निकल कर आ रही है, फसलें खराब हुई हैं, डैमेज है, ये सारे फैक्टर जो है इसको अब सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये 5600-5800 का स्तर छू सकता है।
लेकिन 6000 एक अहम सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो लंबी तेजी इस कमोडिटी में आ सकती है। और नीचे में 5000 है, अगर 5000 टूटा तो डाउनफॉल जो है वो बढ़ सकता है। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 100 से 200 रुपए का अपसाइड पकड़ सकता है जी। यही से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, कपास की, तो देखें कॉटन में भी एक तेजी लगातार बनती नजर आ रही है। कॉटन में भी जो लेवल्स हैं वो भी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, चाहे हाजिर की बात करें या वायदा की। आपको क्या लगता है वायदा में मैक्सिमम कॉटन की जो कीमतें हैं कहां तक जा पाएंगी? देखिए कॉटन की कीमतों की जहां तक बात है अखिलेश, तेजी का दौर है, एनसीएक्स पर लगातार हम नए हाई लगते हुए भी कॉटन में हमने देखे हैं। और अभी जो बाजारों का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी काफी पॉजिटिव है। देखिए 33,000 के बेहद करीब है कॉटन, नवंबर वायदा हो चाहे दिसंबर एक्सपायरी भी पास है, तो मुझे लगता है कि जिस वायदा की अगर मैं बात करूं तो 33,500 से 34,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम बात करें फिजिकल मार्केटों में तो जहां पर 9,000 9,500 के भाव देखने को मिल रहे हैं वो 10,000 तक ऊपर जा सकते हैं जी। तो यानी कि कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो मौजूदा समय में अट्रैक्टिव तो हैं और आगे जाके भी इनमें और बढ़त देखने को मिल सकती है, कॉटन के जो प्राइसेस हैं उनकी में और बढ़त देखने को मिल पाएगी, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं सारे के सारे मजबूत ही हैं। रूपा जी जानना चाहेंगे आपकी से आज के लिए टॉपिक्स क्या रहेंगे और किन कमोडिटीज से बच के चलना सही रहेगा? देखिए अगर आज की बात करें तो आज मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिसमें निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बिनोला खल यहाँ से अच्छा लग रहा है, उसको बाय करके चला जा सकता है। और एज यूजुअल गुआर के अंदर भी खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बिनोला खल और गुआर ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2022 में मार्च अप्रैल तक बिनोला खल की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ सकती है और ये वो समय रहेगा जब बिनोला खल में काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी उम्मीद से भी ज़्यादा कह सकते हैं इसको कि उम्मीद से भी ज़्यादा जो प्राइजेज हैं और जो मुनाफा है वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और ठीक वैसा ही हम ग्वार की कीमतों में भी आता हुआ देख चुके हैं। ग्वार में जो करेक्शन है थोड़ी एक्सटेंड होगी लेकिन उसके बाद ग्वार की कीमतों में एक अच्छी रैली एक बार फिर से निकल के सामने आएगी। तो ग्वार और बिनोला खल रूपा जी की तरफ से ये दो टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आप खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।